श्री शनि देवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनके बहुत ही अच्छे योग हैं, शुभ हो योग हैं, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यापार, बिजनेस, एजुकेशन क्षेत्र, नौकरी, हर प्रकार में कामयाबी मिलेगी, माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से अनेकों कार्य संपन्न होंगे और जो भी मुसीबतें थी, परेशानियां थी, वह मुसीबतें परेशानियां सारी दूर होंगी। 1 अगस्त बहुत बड़ा शुभ योग और 1 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत भी है। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र 31 को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो सूर्य और बुध का जो मिलन है, ये संयोग है, ये बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है जिसे हम सूर्य बुध आदित्य योग कहते हैं। दोस्तों, कई ऐसे योग बनते हैं हमारी कुंडली में, जैसे रोचक योग है, मालव्य योग है, सूर्य बुध आदित्य योग है, गज केसरी योग है। ये योग जब जब भी पढ़ते हैं तो इंसान को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाते हैं, यानी धन का लाभ, संतान का लाभ, हर प्रकार का लाभ पहुंचता है। भगवान शिव जी की असीम कृपा होती है और भगवान की कृपा से प्रत्येक कार्य अच्छे निकलते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा ही योग बन रहा है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में कई ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही शुभ हैं और भगवान शिव की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से इन राशि वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगस्त के महीने में कई योग हैं, सूर्य बुध आदित्य योग, शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश, गुरु का धन राशि में, मीन राशि में मंगल का संचार, ये बहुत ही अच्छे योग हैं। लेकिन कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। जदा सौरी भूमि सुर राज्य मंत्री भार्गवस्य देवरासु सम सप्तमी वह अयोध्या मध्य देशे लंकापुरे पूर्वस्य या दुख्याभयम् शास्त्रम करोति। अर्थात कई जगह पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। कहीं पर राजनीतिक टकराव, कहीं पर उपद्रव, कहीं पर आतंकी विस्फोटक, कहीं पर हिंसक घटनाएं, कई परेशानी आ सकती हैं। लेकिन जो राशियां हैं, जैसे मेष राशि है, मेष राशि का बहुत बढ़िया योग है क्योंकि मेष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य बुध आदित्य योग चल रहा है और चतुर्थ भाव का यह योग मेष राशि का एक प्रकार से राजयोग बना रहा है। बहुत ही अच्छा राजयोग जो आने वाले दिनों में मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। आप देखेंगे वृषभ राशि के तृतीय भाव में सूर्य बुध का योग है जो भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा है। इनसे आपको लाभ मिलेगा, आपकी सारी मुसीबतें दूर होंगी। नवे भाव में शनि का संचार मकर राशि में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है और अष्टम भाव का शनि आपको शत्रुओं से विजय दिलाएगा। अष्टम भाव का गुरु आपकी आयु की रक्षा करेगा। थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है क्योंकि केतु साथ में बैठा हुआ है। तीसरी राशि की बात करते हैं, यह है मिथुन राशि जिसमें शुक्र का गोचर बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। दोस्तों, शुक्र का अपनी मित्र राशि में प्रवेश बहुत ही शुभ है और इसके द्वारा मिथुन राशि वालों को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। यहां तक कहें कि बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मिथुन राशि वालों पर विशेष रूप से 3 ग्रहण की दृष्टि है जो बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रही है।
आने वाले समय में मिथुन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को कई प्रकार के सफलताएं मिलने वाली हैं, जो बहुत ही शुभ हैं। कर्क राशि वाले शिव जी की पूजा जरूर करते रहें, शिव जी की पूजा वंदना करें और सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पण करते रहें। सभी राशि वाले ओम ग्रहण सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र बोल करके आप सूर्य देव को जल अर्पण करते रहें। सूर्य देव को जल अर्पण करने से हमारी कई मुसीबतों शांत होती हैं, कई मुसीबतों का अंत होता है। इसलिए विशेष रूप से आपको यह पूजा करनी है। सिंह राशि का बहुत ही अच्छा भाग्य है। सिंह राशि का और कर्क राशि का एक समान भाग्य है, क्योंकि अगले वीडियो में सिंह राशि की स्पेशल जानकारी दूंगा, क्योंकि 16 अगस्त के बाद में सिंह राशि में यह योग बन रहा है जो कर्क राशि में बन रहा है। सिंह राशि वाले विशेष रूप से ध्यान दें और सूर्य देव की पूजा जरूर करते रहें। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में गुरु का संचार जो कुछ सफलता दिलाएगा तो कुछ परेशानियां भी डालेगा। तुला राशि के चतुर्थ भाव में शनि का संचार और तुला राशि पर शनि की दृष्टियां जो बहुत बड़ा उलटफेर करेंगी, कर्मठ बनाएंगी, कामयाबी दिलाएंगी, धन पुत्र के अच्छे योग बनेंगे और अगस्त का महीना तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगस्त के महीने में कई प्रकार की कामयाबियां आपको मिलेंगी, कई प्रकार के आपके कार्य संपन्न होंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि आपके रुके हुए कार्य अब बनेंगे। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में गुरु और तृतीय भाव में शनि और पंचम भाव में मंगल, तीन ग्रह ऐसे हैं जो धन और संतान के पूरे योग बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया योग है वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की पूजा करते रहें। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी सारे कार्य जो है आपके सिद्ध होंगे, जो भी परेशानियां थी, मुसीबतें थी, सारी दूर हो जाएंगी। धनुराशि वालों को थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि, इससे फिलहाल में थोड़ी सी धन की है, लाभ तो करेंगे लेकिन धन की थोड़ी सी हानि भी होगी। और साथ में केतु होने से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। धनपुत्र के योग तो हैं लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि केतु आपके लग्न भाव में बैठा हुआ है जो गुरु के साथ में शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना। मकर राशि शनि का गोचर मकर राशि में और सप्तम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग, तो ग्रस्त जीवन में बड़े संभल के रहना है आपको, क्योंकि जो सप्तम भाव का सूर्य आया है यह शनि का शत्रु है, शनि अपना शत्रु मानते हैं इनको, तो इसलिए आपको बहुत संभल के रहना है। हालांकि सूर्य बुध साथ में है तो इतनी गलत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है। कुंभ राशि द्वितीय भाव में मंगल और पंचम भाव में शुक्र, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। संतान का योग बन रहा है, संतान के साथ साथ में धन का भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। शनिदेव की पूजा करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें, पक्षियों को सतनजा डालते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें, हर कार्य आपका सिद्ध होगा। और मीन राशि का तो बहुत ही अच्छा धन योग चल रहा है, क्योंकि मीन राशि में मंगल का जो गोचर है वह बहुत ही शुभ है मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों को कई प्रकार की कामयाबियां मिलेंगी, कई लाभ मिलेंगे और खास करके संतान और धन का पूरा लाभ है। मकान, भूमि, जायदाद आदि का लाभ है, आपके अपने मकान बनेंगे। अगर अब तक मकान का लाभ नहीं मिला था, सुख नहीं मिला था, तो आपके अपने मकान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से ये जो राशियां मैंने बताई हैं सभी राशियों का बहुत ही अच्छा
शुभ योग बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मैं अब यहाँ से आगे प्रतिदिन का डेली का राशिफल डाला करूँगा, वो भी आपको मिला करेगा। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय।